हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और न्यू कस्टम के साथ। तो गाइस आप लोग कैसे हो? उम्मीद है गाइस आप लोग अच्छे हो। गाइस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मैं बता दूं कि इस कस्टम में आप लोग को बीसी नहीं मिलेगा और बीसी के जगह पे 501 रुपया इनाम रखा गया है। गाइस आप लोग 501 रुपया का इनाम जीतिए और कस्टम खेलिए। और कस्टम का रूल है कि आप लोग को S12K नहीं चलाना है और ड्रॉप नहीं लूटना है और हैक यूज नहीं करना है और टीम अप नहीं करना है। ये मैच है डुओ और डुओ में आप लोग जितने बंदे खेल रहे हो सबसे मैं बोल रहा हूँ कि गाइस आप लोग चीटिंग करके ना खेलो और आप लोग अच्छे से खेलो और मैच जीतो और अच्छे से पैसा इनाम ले जाओ। हाँ गाइस आप लोग, ये डबल धमाका है। एक और मैं बात बता दूँ आप लोगों को कि गाइस आप लोग अगर दोनों बंदे 8-8 किल करके अगर जो चिकन करते हो तो दोनों बंदों को 500-500 रुपया मिलेगा, 8 किल प्लस चिकन। और सब्सक्राइब चैनल करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद से 8 किल करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। व्हाट्सएप पे नहीं तो इस पे ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन से। तो गाइस मैच स्टार्ट हो गया है। गाइस और चलिए मैं चलता हूँ डायनेमो का, देखता हूँ गेम डायनेमो का जो 28 नंबर के प्लेयर हैं। और 19 नंबर के प्लेयर हैं RDX राजपूत हैं, RDX अली हैं 19 नंबर के बंदा, आदित्य हैं 18 नंबर के प्लेयर, RDX जोकर 14 नंबर के प्लेयर हैं। डेंजर जात जो 15 नंबर के बंदे हैं। और गाइस लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे उतरे हुए हैं स्टेडियम में, 2-3 स्क्वाड उतर चुकी है और एक कोनो को फिनिश भी कर दिए। 30 नंबर के काफ़ी अच्छे खेल हुए और देखते हैं कौन आगे मारते हैं। 30 नंबर कर दिया और 30 नंबर को भी कोई 12 नंबर का प्लेयर फिनिश कर दिया। गाइस यहाँ 23 नंबर के प्लेयर हैं DC चौधरी और 15 नंबर के प्लेयर भी 23 नंबर और 20 नंबर को फिनिश कर रहे हैं। 23 नंबर के तो भाई साहब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 20 नंबर के बंदे आ रहे हैं, 23 और 20 नंबर की लड़ाई चल रही है और काफ़ी अच्छा। आप भी लोग गाइस खेलना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं डेली कराता हूँ कस्टम और कस्टम शाम को डेली मैं आज के पास होगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आप लोग के पास जब जाएगा जब मैं कस्टम कराऊंगा। तो भाई साहब काफ़ी अच्छा 12 नंबर के प्लेयर। बिल्कुल अकेले बचे हुए हैं और गाइस देखिए ड्रिंक पे ड्रिंक मारे जा रहे हैं और आगे देखते हैं कौन है। 4 नंबर का प्लेयर दिखाई दे रहा है अभी और काफ़ी अच्छा खेलते हुए 12 नंबर के प्लेयर। तो गाइस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगला मैच आप भी लोग खेल सकते हैं हमारे साथ और 500 और इससे भी अधिक मैं इनाम रख सकता हूँ इस पर। तो गाइस आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग कस्टम से जुड़ जाएं। 14 नंबर के प्लेयर जो 19 नंबर प्लेयर को मार दिए और इनको नोक भी कर दिए हैं काफ़ी अच्छा और इनको भी कोई कहीं से पड़ रही है। और आप लोग मेरा वीडियो इसी तरह देखते रहिए और 8 किल कीजिए और चिकन कीजिए और पाइए इनाम 501 रुपया। अगर दोनों बंदे करते हैं तो दोनों बंदों को मिलेगा 501 रुपया। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और इस तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को तो ही अच्छा अच्छा वीडियो आपको मिलेगा देखने के लिए मेरे चैनल पे। एक नंबर के प्लेयर हैं जो अकेले हैं एकदम सुनसान जगह पे अकेले, इनका टीममेट मर चुका है। और यहाँ पे 11 नंबर के प्लेयर देखिए, इनके सामने
24 नंबर का बंदा है और अभी गाड़ी फूटी हुई है और देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच में। और बोलता है यहीं पर होल्ड करेंगे। वो भाई साहब कट्टा चला रहे हैं, कट्टा इनको चलाना आता है क्या? यहाँ पे 20 नंबर के प्लेयर को देखा जाए, स्टेडियम पे हैं अभी और काफ़ी अच्छा खेले हैं, 4 किल किए हैं और 4 किल इनको करना है और पाएंगे इनाम। अगर 4 किल करके चिकन डिनर करते हैं तो काफ़ी अच्छा इनाम इनको मिलेगा, 501 रुपये का इनाम। और गाइस आप लोग खेलते रहिए मेरे साथ और मुझसे जुड़ जाइए और खेलते रहिए और इनाम पाते रहिए। इससे भी अच्छा अच्छा इनाम वाला मैं कस्टम कराऊँगा और टूर्नामेंट भी कराऊँगा। आप लोग टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं इससे भी अच्छा अच्छा वाला टूर्नामेंट कराता हूँ और अच्छा अच्छा इनाम भी रखता हूँ, 10,000-12,000 इनाम भी रखता हूँ। तो आप लोग कस्टम खेलते रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि खेलना है तो मैं टूर्नामेंट कराता रहूँगा। 6 नंबर के प्लेयर हैं जो रैप्टर हैं, जो 11 नंबर के प्लेयर हैं जो चाहत क्या करते हैं देखते हैं। ये भी अकेले बचे हुए हैं, इनका टीममेट को मार दिया गया है, टीममेट इनका फिनिश हो गया है। ओ भाई साहब मेरा लेग कर रहा है। ये भी कट्टा लिए हुए हैं 11 नंबर के प्लेयर, ये 24 नंबर के प्लेयर को कट्टा से ही मारेंगे क्या भाई साहब? ओ भाई साहब कट्टा अच्छा चला लेते हैं 11 नंबर के प्लेयर और कट्टे से मारेंगे, लगता है देसी हैं, गाँव के हैं और कट्टा चला रहे हैं, कट्टा से मारेंगे लगता है। 24 नंबर बंदे को कट्टा से मारने के लिए तैयार है और 24 नंबर बंदा भाग रहा है, कट्टा से मार रहे हैं। ओ भाई साहब डायरेक्ट फिनिश कर दिया 24 नंबर के बंदे और 9 नंबर के बंदे और 14 नंबर के बंदे। देखिए इनका भी एक नोक है, 14 नंबर का बंदा एक नोक है और उनको फिनिश भी कर दिया गया है। 27 नंबर के बंदे उनको फिनिश कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा खेलते हुए सूझबूझ से, और 14 नंबर के बंदे कवर में आ गए हैं। देखते हैं कौन जीतता है और कौन विनर बनता है आज का, कौन भाग्यशाली है जो विनर बनता है, 8 किल करके चिकन निकालता है, देखते हैं। ये राफ्टन है जो, ओ भाई साहब क्या ही ग्लिच है। और देखिए 14 नंबर अच्छा खेलते हुए, ओ भाई साहब 27 नंबर के भी बंदे काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, 2 किल किए हैं। MS श्वेता काफ़ी अच्छा खेली हैं, 2 किल की हैं। और गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कस्टम खेलना चाहते हो तो बाद में पछताना मत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो पछताना नहीं पड़ेगा, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसलिए कि अब डेली मैं कस्टम कराऊंगा और वो भी इनाम वाला बढ़िया में इनाम रखूँगा, विनर प्राइज काफ़ी अच्छा होगा आप लोगों का, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब क्या ही गजब खेलता है। चौदह नंबर बंदों को 27 नंबर बंदा घेर रहे हैं चारों ओर से, देखते हैं कौन मारता है। और 27 नंबर के बंदे काफ़ी करीब पहुंच गए हैं 14 नंबर बंदे को, कहीं से पड़ रही है। ओ भाई साहब गाड़ी भी आ चुकी है यहाँ पे और 27 नंबर के बंदे छुप गए हैं यहीं पे, और 6 नंबर का बंदा आ चुके हैं इधर इनके पास और ये छुपे हुए हैं। 14 नंबर के भी बंदे हैं और 14 नंबर के बंदे को देखते हैं क्या होता है। 14 नंबर और 27 नंबर एक ही पास हैं और 6 नंबर, ओ भाई साहब काफ़ी अच्छा। देखिए इनको देखिए एस्टोर के निकाल लिया भाई साहब, एस्टोर के मना है। आप लोग कितने चोमू हो यार, आप लोग को बोला जाता है कि एस्टोर के नहीं चलाना है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एस्टोर के चला रहे हो। देखो ये दोनों बंदे 6 नंबर के बंदे भी एस्टोर के लिए हैं, क्या ही गाइस बोला जाए आप लोग को, अच्छे से बोला जाता है खेलने के लिए तो आप लोग अच्छे से नहीं खेलते हो। गाइस आप लोग कस्टम का मारा नहीं कर देते हो यार गाइस। ओ भाई साहब कितना दूर से मारा है 12 नंबर का प्लेयर, काफ़ी अच्छा मारा है। ये भी एस्टोर के लिया है क्या? नहीं, M416 लिया है और काफ़ी अच्छा खेल रहा है 12 नंबर का प्लेयर। और इनके सामने 24 नंबर का प्लेयर और वो भी लगता है गाड़ी से जा रहा है। ओ भाई साहब यहीं से स्प्रे दे रहा है, काफ़ी अच्छा। ओ भाई साहब 24 नंबर के बंदा भी इनके पास आ रहा है, ओ निकल गया और स्प्रे पे स्प्रे दे रहे हैं 12 नंबर के प्लेयर और देखते हैं मार पाते हैं या नहीं।
ओ भाई साहब, ये तो पीछा ही कर लिए उसका 24 नंबर प्लेयर को। नाम भी लिखे हैं, अच्छा बाप आया। जाके मारेंगे क्या उसको, देखते हैं मारते हैं या नहीं मार पाते हैं। वो बंदा जाके छुप गया है और 27 नंबर के प्लेयर के पास आ चुके हैं। 27 नंबर का ही प्लेयर आ चुका है, इनके पास कोई नहीं है और काफ़ी सेफ जगह है। और 12 नंबर का प्लेयर यहीं पे भी छुपा हुआ है और 24 नंबर का प्लेयर वहीं पे है अभी, वो भी छुपा हुआ है, छुप के कैम्प कर रहे हैं। ओ भाई साहब, काफ़ी अच्छा स्प्रे। और जून में है, 12 नंबर के प्लेयर जून में है अभी और 24 नंबर के प्लेयर भी जून में है। ओ भाई साहब, क्या ही अलग डैमेज है इनका, कितना अच्छा मारते हैं। एस12 के वाले को क्या ही बोला जाए आप लोगों से। 27 नंबर के प्लेयर भी अच्छे जगह नहीं है, जून में जाना पड़ेगा इनको भी। और ये देखिए 8 नंबर के प्लेयर, वर्ल्ड सचिन पबजी लवर, 8 नंबर के प्लेयर पबजी लवर। सामने 5 नंबर के प्लेयर, ए भाई साहब ये देखिए, इनके पास फेलकॉन भी है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला गया था इनके इनको अभी। और ये RPG उठा चुके हैं। आप लोग कस्टम यार क्या खेल रहे हो, आप लोग जाओ उसी तरह मैच खेलो यार। कहते हो कि भैया कस्टम कराओ कस्टम कराओ, और जब कस्टम कराता हूँ तो आप लोग कस्टम का रूल ही नहीं फॉलो करते हो। यार आप लोग रूल फॉलो करो और कस्टम अच्छा से खेलो तो मैं कस्टम कराता रहूँगा। आप लोग यार रूम में आ जाते हो और उसके बाद से अपने मनमानी खेलते हो। आप लोग गेम को अलग लेवल पे ही ले जा रहे हो, देखो इनके पास भी है। यार आप लोग अलग लेवल के गेम खेल रहे हो, बोला कुछ और जा रहा है, आप लोग कुछ और कर रहे हो। इनको देखो 27 नंबर के प्लेयर को मार रहे हैं किस तरह, ये भी S12 के उठाए हुए हैं और S12 के से देखते हैं मार पाते हैं नहीं। ओ भाई, 28 और 27 नंबर मिल चुके हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो। नहीं नहीं मार चुके हैं। 8 नंबर के प्लेयर जो पबजी लवर हैं वो लेटे हुए हैं और 9 नंबर बंदा को काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। इनको मालूम है वहाँ पे कोई बंदा है, देखिए गाड़ी लेकर निकल रहा है वो बंदा। देखते हैं मार पाते हैं या नहीं इनको, गाड़ी से उतार पाते हैं नहीं उतार पाएंगे। ओ भाई साहब, RPG लिए हुए हैं पबजी लवर भाई, आप पबजी छोड़ दो यार, क्या ही यार आप लोग RPG ले चुके हो, वो भी कस्टम में, कस्टम आप लोग खेल रहे हो। अगला मैच में आपको कस्टम खेलने नहीं दिया जाएगा। आठ नंबर पबजी लवर जो भाई हैं वो उनको अगला मैच में खेलने नहीं दिया जाएगा। ये 5 नंबर के बंदे हैं जो चंदू कुमार भी अच्छे खेल रहे हैं, देखिए यहाँ से क्या ही पिक करके मार रहे हैं। 9 नंबर का बंदा काफ़ी अच्छा जगह है और सेफ है और अकेला भी है। 4 नंबर का भी बंदा अकेला ही है, इनका 1 नंबर बंदा मर चुका है और 28 नंबर के बंदे भी, दोनों बंदे हैं, ये तो स्क्वाड है पूरा। देखिए एक ग्लिच करना चाहते हैं क्या। 4 नंबर बंदे को ये जान गए हैं कि 4 नंबर बंदा यहाँ पे है और देखते हैं क्या करते हैं। 28 नंबर के बंदे, 4 नंबर के बंदे काफ़ी अच्छे से सूझबूझ के खेल रहे हैं यहाँ पे नदी के किनारे, आराम से पत्थर के पास लेट बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोई ड्रॉप लूटे तो उसको मार। RPG चलाया है क्या कोई या बम फेंका है। 21 नंबर के बंदे, और गाइस मैं एक बार और आप लोग को बता दूं कि आप लोग को 8 किल करना है और चिकन डिनर निकालना है गाइस। अगर 8 किल करके आप लोग चिकन डिनर निकालते हैं, दोनों बंदे अगर जो आप लोग के 8 किल किए हैं, तो गाइस आप लोग को दोनों बंदों को 500 रुपये इनाम मिलेगा। और गाइस आप लोग
और गाइस मैं बता दूं आप लोगों की अगला कस्टम आप लोग का कल होगा, कल आप लोग का स्क्वाड वाला कस्टम होगा। स्क्वाड में जो कल का रूल कल का रखा जाएगा आप लोगों को कल बता दिया जाएगा आप लोग के ग्रुप में। तो गाइस आप लोग मैच खेलना चाहते हो और लोग भी आप लोग जुड़ना चाहते हो, जो लोग नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कस्टम मैं डेली कराता हूँ, आप लोग डेली कस्टम खेला करो। और 9 बंदे बचे हुए हैं और 28 नंबर के बंदे देखिए ड्रॉप ग्रेनेड कर रहे हैं और 4 नंबर के बंदे वहीं पे हैं, इनके पेड़ के पास हैं, अभी स्मोक भी कर रहे हैं। वो भाई सब 7 स्मोक लिए हैं, 2 मोली लिए हैं, एस्ट्रल के भी लिए हैं। गाइस क्या ही आप लोग गलत लेवल गेम खेल रहे हो यार। कोब्रानुज इनके पास भी एस्ट्रल के है, और देखते हैं कौन चिकन निकालता है। और केवल 7 बंदे बचे हुए हैं और जो अच्छा खेलेगा वो चिकन निकालेगा। और 8 किल करना है आप लोगों को और चिकन निकालना है, और स्क्रीन शॉट ले लेना है आप लोगों को। जो 8 किल करेगा और चिकन निकालेगा उस वो स्क्रीन शॉट ले लेगा, और स्क्रीन शॉट लेके और मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेगा। गाइस अगला कस्टम खेलने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, कल आप लोग का अगला कस्टम होगा। और अभी काफ़ी भाई सब सभी लोग एस्ट्रल के लिए हुए हैं। भाई आप लोग को बार बार बोला जाता है एस्ट्रल के नहीं लेना है, इतना कस्टम कराया हूँ हर कस्टम में बोलता हूँ एस्ट्रल के नहीं लेना है। देखिए भी भाई सब आए एस्ट्रल के ही लेके आए हैं। 4 नंबर का बंदा काफ़ी अच्छा खेला है वो भाई साहब, इसको भी कोई मार दिया और एस्ट्रल के लेके ही मारा है उसको भी। और 3 बंदे बचे हुए हैं और 21 नंबर और 28 नंबर, 28 नंबर के बंदे अकेले हैं और 21 नंबर के बंदे 2 लोग हैं, और देखते हैं कौन जीता है। दोनों लोगों के पास स्ट्रोल के और काफ़ी अच्छा रोमांच भाई साहब, 21 नंबर का बंदा मार दिया 28 नंबर के बंदे को। और गाइस आप लोग लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को।